क्या आपने लास्ट टाइम जो हमने आपको कंपनीज बताई थी उसमें अप्लाई किया था? ये कंपनीज हमने बताई थी मुंबई की, दिल्ली की, कोलकाता की, बैंगलोर की, और कई ढेर सारे जगहों की बताया था मैंने। उसके साथ ही साथ कई लोगों ने कमेंट किया कि सर स्ट्रक्चर्स के लिए भी जॉब बताइए, तो मैंने आज स्ट्रक्चर्स और बीआईएम दोनों का प्रोफाइल का जॉब लेके आया हूँ। दूसरी चीज, गाइस पॉडकास्ट के लिए काफी लोग डिमांड कर रहे थे, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा, मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड भी कर दिया। बहुत जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर आपके बीच में पॉडकास्ट भी आ जाएगा। एक चीज मुझे और जानना है आप लोगों से, काइंडली डू कमेंट कि हाउ मेनी ईयर एक्सपीरियंस यू हैव, सो दैट कि मैं जो ओपनिंग सर्च करूं तो मैं उसमें देख लूं कि उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस वाले भी लोग हैं कि 2 साल वाले भी। अभी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं कि आपका स्ट्रक्चर्स में हो या बीआईएम में हो या साइट में हो, किसी भी प्रोफाइल में कितने साल का एक्सपीरियंस है। 0 है तो फ्रेशर्स ले सकते हैं, कहीं पर थोड़ा भी काम किया है 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, प्लीज डू कमेंट सो दैट कि मैं ये समझ पाऊं कि हाँ यार ये ओपनिंग्स आपके लिए बेहतर होगी। तो सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, उससे मुझे आइडिया लगेगा कि हाँ आपके लिए कौन सी ओपनिंग्स बेस्ट हो सकती हैं। चलिए आज हम बीआईएम और स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग्स लेके आए हैं, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। बीम आर्किटेक्ट की प्रोफाइल है पुणे के अंदर, ठीक है, काफी लोगों ने कमेंट किया था सर पुणे के लिए जॉब बताइए, तो कोरेगांव पार्क में है, सबको, पुणे वाले जितने लोग हैं सबको पता है, बहुत आसान काम है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है इनके पास। इनके पास 3D मॉडलिंग करने का काम है, रेविट आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमवीपी तीनों अच्छे से आना चाहिए। उसके साथ ही साथ इनको कोलेबोरेशन, कोलेबोरेशन का मतलब है कि जरूर इनको नेविस्वर की जरूरत होगी, तो कोलेबोरेशन का भी काम इनको चाहिए कि आपको आता रहे। उसके साथ साथ इन्होंने दिया हुआ है कि क्या बोलते हैं, बीम के वर्कफ्लो का अच्छा नॉलेज अगर रहेगा तो आपके लिए आसान रहेगा। तो जिन्होंने भी पढ़ा है बीम के बारे में, डेफिनेटली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि सर की बीम के जो ये चीजें हैं, ये बुक्स हैं बीम टेक्नोलॉजी की, ये सब आपको चाहिए अगर, तो नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, जो कि ग्रुप हमारे बीम के ही बच्चों के लिए है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं मुझसे कई ढेर सारे नोट्स। जैसे कि यहाँ पर बीम वर्कफ्लो लिखा रहता है तो आप कंफ्यूज रहते हैं, रेबिट फैमिली के बारे में सोचते हैं ये क्या है, तो अगर आपको इनके रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है उसमें ज्वाइन करके जस्ट कमेंट कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में आ जाएगा ढेर सारे जो भी आपको चीज चाहिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ओपनिंग से ब्लूप्रिंट डिजाइन कंसल्टेंसी, इनके यहाँ पर दो दो जॉब है, एक तो है बीम कोऑर्डिनेटर का, तो बीम कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है कि जिसको अच्छे से आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमईपी और नेविस्वर का नॉलेज होगा वही काम कर सकता है इस प्रोफाइल में। तो ये फिक्स कर लीजिए कि बीम में कोऑर्डिनेशन मतलब एक्चुअली ये बीम कोऑर्डिनेटर जो प्रोफाइल होती है बीम मैनेजर के बराबर होती है, दोनों ही लगभग लगभग सेम ही प्रोफाइल्स रहती है, इसलिए थोड़ा सा उसका आपको नॉलेज होना चाहिए और एईसी इंडस्ट्री का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बीएम 360 का नॉलेज होना चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको पहले ही बोला था नेविसवर्क और ऑटोकैड और रेविट आपको लगेगा लगेगा। चलिए ब्लूप्रिंट में दूसरी कौन सी ओपनिंग है गाइस, ब्लूप्रिंट में ही पुणे में ही काफी अच्छी कंपनी है। ब्लूप्रिंट में दूसरी जो प्रोफाइल है वो बीम आर्किटेक्ट की है, मतलब ये फ्रेशर्स की है, ठीक है। अब इसमें इनको रेविट का स्ट्रॉन्ग नॉलेज जरूर चाहिए होगा, तो देखिए बीम मॉडल स्टैंडर्ड्स वर्कफ्लो नेविसवर्क और रेविट का इनको नॉलेज चाहिए, और इनको ज्यादा से ज्यादा रेविट का वर्क नॉलेज चाहिए क्योंकि ये प्रोफाइल फ्रेशर्स की है, ठीक है जी। तो इसमें अप्लाई कर दीजिए, लिंक्डइन से अप्लाई करना है, इनकी कंपनी की वेबसाइट पर जाके कैरियर्स में जाके भी अप्लाई कर दो। नेक्स्ट ओपनिंग्स देखते हैं गाइस, नेक्स्ट ओपनिंग्स है आपकी जीएम इन्फोटेक करके, ये मुंबई के अंदर है, ये बी मॉड्यूलर बट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि रेवी स्ट्रक्चर्स का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए या फिर टेक्ला स्ट्रक्चर्स, जहां तक इनको रेवी स्ट्रक्चर्स का चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने रेवी स्ट्रक्चर्स मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ऑटो कैड देख लीजिए, मैं आपको बता दिया, बस वही पूछेंगे। वैसे तो मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो भी फिक्स है, ठीक है। आपका अगर शॉर्ट लिस्टिंग होता है तो कमेंट कर दीजिए कि सर जीएम इन्फोटेक में, या फिर किसी भी कंपनी में अगर शॉर्ट लिस्टिंग आती है आपकी अप्लाई करने के बाद, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ कि क्या पूछेंगे, और ये फॉर श्योर कर दूंगा कि 80% क्वेश्चन वहीं से होंगे, ठीक है जी। ये कॉन्फिडेंस इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि कई ढेर सारे हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंटरव्यू दिए रहते हैं, तो हमें पता रहता है कि क्या ही पूछ सकती है कंपनी। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है आरजीडी कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बीएम मॉड्यूलर की दो ओपनिंग इनके पास है। बीएम मॉड्यूलर का मतलब है कि इनको रेबिट का अच्छा नॉलेज चाहिए, सिंक्रो अगर आपको आता है छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। बीएम 360 का इंट्रोडक्शन आपके पास है तो बहुत अच्छा है, तो ये इनकी जनरल रिक्वायरमेंट है। सभी प्लेटफॉर्म से अप्लाई करो, पता नहीं किस प्लेटफॉर्म से सेलेक्ट हो जाए। गाइस मेरा काम आपको अगर अच्छा लग रहा है तो एक चीज करना चाहूंगा, इसको लाइक कर दीजिए। दूसरी चीज करना चाहूंगा कि इसको वीडियो को या तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दिया करो, या फिर
आप इस वीडियो को क्या बोलते हैं किसी ग्रुप में शेयर कर दिया करो, उससे क्या होगा काफी लोग आएंगे तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ और अच्छी अच्छी ओपनिंग्स लेके आऊँ आपके बीच में और आपका भी उसमें बेनिफिट होगा। भैया मॉड्यूलर के एक वर्क है रिमोट वर्क, रिमोट वर्क लिखा रहे हैं समझ आइए, ये घर से करने का काम है ठीक है। डिजिटल डिलीवरी कंपनी है, इनको न्यू दिल्ली में ये ओपनिंग्स है ठीक है। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, इसमें 16 GB रैम हो ठीक है, और उसके बाद 4 GB ग्राफिक्स कार्ड हो, अगर है तो वर्क फ्रॉम होम में क्या चाहिए ठीक है। रेविट में अगर अच्छा वर्क फ्लो है आपके पास, अच्छा आपके पास नॉलेज है, अप्लाई कर दीजिए इसमें। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है बी मॉडुलर का, किसका है बी मॉडुलर का है। तो बी मॉडुलर की जो प्रोफाइल है उसमें आपको सिंपल चीजें पूछते हैं, जैसे कि देखिए प्रीपेड 3D मॉडलिंग का काम है इनके पास, स्केचअप का काम है, और क्या बोलते हैं किसी भी डिजाइन का एक सॉफ्टवेयर जो भी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है उसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। अच्छा एक चीज आप देख रहे हैं क्या, जैसे बी मॉडुलर की प्रोफाइल में जो ओपनिंग्स में बता रहा हूँ लगभग हर जगह सिमिलर कंटेंट ही पूछे जा रहे हैं, मतलब कि इसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या बोलते हैं ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं गाइस जॉब डिस्क्रिप्शन। तो बी मॉडुलर की जितनी प्रोफाइल्स आएंगी लगभग 50-60% उसमें सिमिलर रिक्वायरमेंट रहेगी ठीक है। रेविट रहेगा, ऑटोकैड रहेगा, नेविस ऑटोकैड रहेगा, या फिर रेविट ऑटोकैड रहेगा, तो ये इसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि लगभग सिमिलर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रोफाइल देखते हैं स्ट्रक्चर्स के लिए, ये ग्रिम्पल करके कंपनी है जिनको रेविस्ट जिनको स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चर इंजीनियर का मतलब है स्वाभाविक सी बात है स्टैट प्रो तो फिक्स है। आइए देखते हैं स्टैट प्रो चाहिए, अगर आपको इन्वेंटर आता है तो और बेनिफिट है, इन्वेंटर मैकेनिकल का सॉफ्टवेयर है, थोड़ा बहुत सिविल वाले भी यूज कर लेते हैं, मैंने भी एक बार यूज किया था मेरे कंपनी में प्रोजेक्ट आया था ठीक है। और इनको रिपोर्ट्स बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनाना आना चाहिए। इन्वेंटर जहां तक यूज कर रहे हैं तो मेरा उम्मीद ये है कि इनको स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन ही जरूर पूछेंगे, क्योंकि इन्वेंटर में स्टील वाले काफी काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इंडस्ट्री कोड्स का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, परफॉर्म साइट का काम होना चाहिए, क्लाइंट का भी बारे में पता होना चाहिए, लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ये सारी इनकी रिक्वायरमेंट है। फटाफट अप्लाई कर दीजिए, ग्रिम्पल एक अच्छी कंपनी है दिल्ली की, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है एम्पर एनर्जी करके। अब देखिए मैं आपसे क्यों पूछ रहा था कि कितने ईयर का एक्सपीरियंस है नीचे कमेंट कर दीजिए, उसे आइडिया लगता है कि मैनेजर्स प्रोफाइल की ओपनिंग्स आपको बतानी है कि नहीं बतानी है ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा कि मैनेजर प्रोफाइल की लायक आपके लिए मैं सर्च करूं जॉब या नहीं सर्च करूं, तो वो 5 साल जिसके पास एक्सपीरियंस है तब सर्च करेंगे ठीक है। इनका जो काम है सोलर से रिलेटेड ज्यादा है ठीक है, और बी बीटेक आपको चाहिए, स्ट्रक्चरल जो इनकी रिक्वायरमेंट है ठीक है, और यहाँ पर ये रिलेटेड इश्यूज आपको स्किल्स क्या क्या आनी चाहिए, स्किल्स आपको लाइक कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, स्टैट प्रो का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एनसीसी या फिर एसएपी दोनों ही स्ट्रक्चर्स के सॉफ्टवेयर है, एनसीसी एफई यानी फाइनाइट एलिमेंट मेथड पे की एनालिसिस करता है, एसएपी जो है एसएपी 2000 की जरूरत होगी इनको, पूरा इन्होंने लिखा हुआ है, तो एसएपी 2000 जो है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स जैसे कि कैनाल है, रिजर्वायर है ठीक है, इस तरीके की स्टेडियम्स है, इन सब का डिजाइन करने के लिए काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है ठीक है जी, सेम एज ई टेप्स होता है, मैंने कई बार इसको यूज किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है रेसी इंजीनियरिंग करके, इनको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की प्रोफाइल के लिए जॉब है। किसके लिए है? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के प्रोफाइल के लिए जॉब है। तो भाई इनके यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अप्लाई ऑन इंडीड, ग्लासडोर और सिंपली हायर्ड पे जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस इनको चाहिए, बट मैं कहूंगा अगर आपके पास मास्टर्स या डिग्री, देख लीजिए कई लोग कहते हैं ना सर स्ट्रक्चर्स के लिए जरूरी है कि मास्टर्स हो, नहीं भाई जरूरी है कि स्टैट प्रो और ईटीएफ जैसी अच्छी स्किल्स हो, जरूरी है कि मैनुअल का अच्छा नॉलेज हो, ये जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर इनको चाहिए कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हो या फिर डिग्री हो तो भी चलेगा ठीक है। तो अब इनकी रिक्वायरमेंट देख लीजिए, जीए ड्रॉइंग्स वगैरह निकालना होगा, और उसके बाद कैट की ड्रॉइंग्स क्रिएट कर सके आप और अच्छे से पूरा स्ट्रक्चर्स का वर्क कर सके, यही इनके यहाँ पर मोटा मोटा काम है ठीक है जी। IS 456, IS 800, ब्रिटिश कोड भी चाहिए इनको, तो ब्रिटिश कोड और अमेरिकन कोड पे भी काम करती है, मतलब कंपनी है इंटरनेशनल, पैकेज होगा ज्यादा ठीक है जी। इससे आइडिया लगता है कि पैकेज क्या होगा और इंटरव्यू भी थोड़ा हार्ड होगा, अप्लाई कर दीजिए, अगर शॉर्ट लिस्टिंग आता है तो बताइएगा, तो कुछ गेस्ट क्वेश्चंस में आपको बताने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है गाइस वो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए आईक्वेस्ट कंसल्टेंट करके, कौन आईक्वेस्ट कंसल्टेंट, और इनको क्या क्या चाहिए, इनको चाहिए सीनियर इंजीनियर ठीक है। आप पैकेट डिजाइन के लिए चाहिए, पैकेट में भी काफी अच्छा डिमांड चल रहा है गाइस इस समय, मेरा एक स्टूडेंट है ठीक है, उसका पैकेट में ही जॉब है, वो भी पैकेट डिजाइन का ही काम करता है, और देखिए इनमें भी काफी ज्यादा भी ग्रोथ हो रहा है, इनको स्टैट प्रो का अच्छा नॉलेज चाहिए ठीक है, पैकेट का आपको नॉलेज पढ़ के ही जाना पड़ेगा ठीक है। अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पावर पॉइंट अगर आपको आता है तो अच्छा रहेगा, आप इनको डायरेक्ट CV शेयर कर दीजिए और नोटिस पीरियड वगैरह बता सकते हैं, ये उनके लिए जो उसके पास एक्सपीरियंस है, इसलिए कमेंट करके एक्सपीरियंस जरूर से जरूर शेयर करिएगा।
नेक्स्ट जो प्रोफाइल है गाइस वह है इको ग्रीन डिजाइन टेक कंस्ट्रक्शन, और ये है बैंगलोर की ओपनिंग से, ठीक है। और इनको जो चाहिए वो सिविल इंजीनियर चाहिए, जहां तक के साइट वगैरह से लेके मिक्स प्रोफाइल की जॉब होगी, एयरपोर्ट, रेलवे, ब्रिजेस, हर चीज का आपको काम आना चाहिए। और यहाँ पर इस तरीके का अगर आपको काम आता है तो ये बेस्ट ओपनिंग हो सकती है। शायद ये साइट से मिलता जुलता जॉब होगा, मतलब साइट पे भी जाना पड़ेगा और वैसे भी ऑफिस में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट डिजाइन का भी काम आना चाहिए आपको। तो ये मल्टी प्रोफाइल से अगर आपका मन करे तो अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है गाइस वो है प्रतिभा टेक्नो स्ट्रक्चर्स में, इनके यहाँ पर जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए, मतलब डिग्री पक्का, डिग्री से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। डिग्री मास्टर्स की कोई जरूरत नहीं है। स्टेट प्रो रिटेप्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जो पहले बोलता आया हूँ, कैट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है जी। ये बैंगलोर में ओपनिंग्स है, तो आप समझिए कि अगर आपने अप्लाई कर दिया तो शॉर्ट लिस्टिंग का चांस ज्यादा रहेगा। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बैंगलोर में 15,000 रुपए पे एक्सपीरियंस तो काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहां का खर्चा बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। चलिए, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट करके बताना ना भूले। साथ ही साथ अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देखिए, मेरा हक बनता है आप लोगों से थोड़ा बहुत मेहनत करवाने का, तो शेयर बटन पे क्लिक करके शेयर कर दीजिए उन ग्रुप्स में जो सिविल इंजीनियरिंग के, या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दे यार, अच्छा रहेगा। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मैं इसको और ढेर सारे लोगों के बीच में शेयर करूँ और ढेर सारी ओपनिंग्स लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत।